बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे डे। माशाल्लाह से इतना अच्छी धूप आई हुई है और धूप तो सुबह 7 बजे ही आ गई थी, लेकिन आज बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था और मैं फिर दोबारा से लेट गई थी। अभी मैं उठी हूँ और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। अभी मैंने उनका नाश्ता बनाना है तो मैंने कहा सबसे पहले मैं धूप में जाती हूँ, थोड़ी देर वहाँ पर बैठती हूँ और व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आऊँगी। आप लोगों को भी धूप मुबारक हो। मैंने सारे घर की खिड़कियाँ खोल दी हैं ताकि कमरों में थोड़ी धूप आ जाए, और जो इतने दिनों से सारे शीशे बंद किए थे सर्दी की वजह से, आज इनको साफ़ भी करवाना है। खिड़कियाँ काफ़ी ख़राब हुई हैं और बच्चे उठते हैं तो जो अपने बिस्तर हैं उनको भी धूप में रखते हैं और ख़ुद भी धूप में बैठेंगे। और सबसे बड़ी और मज़े की बात, आज तो बच्चों के उठने पर और उनको नाश्ता वगैरह करवाने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैं सोचती थी आज एकेडमी वाले बच्चों को भी छुट्टी नहीं करवाती, मैंने तो सोचा था उनको संडे को भी बुलाऊंगी, लेकिन अब तो अल्लाह खैर करे। बाकी इंसान कुछ प्लान करता है, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है, लेकिन मैंने तो पूरा प्लान बना लिया कि कल इंशाल्लाह 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 हम बाग में जाएँगे और ढेरों ढेर लेके आएँगे ऑरेंज, और वहाँ बैठ के भी खाएँगे और साथ भी लेकर आएँगे, और आज भी यहाँ धूप में बैठ के खाएँगे। तो साथ में मैंने गर्म पानी ले लिया, बर्तन धोए थे मैंने जल्दी जल्दी से, और गर्म पानी लेकर आई हूँ। साथ मैंने कहा गर्म पानी पीती हूँ और बच्चे उठ जाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। और आज सुबह सुबह मुझे फ़ोन आ गया है, और मेरी एक सिस्टर बनी हुई है, उनका बेटा यूट्यूबर है, उसका चैनल है, और वो इनविटेशन आ गया है बर्थडे का, लेकिन मैं उस वक्त नींद में थी जब उनका फ़ोन आया, क्योंकि शादी भी है हमें। अब मैं दोबारा उनको फ़ोन करके तो कंफर्म करूँगी कि उनका बर्थडे किस डेट को है। और वो लोग रहते भी काफ़ी दूर हैं, साहिवाल रहते हैं, और मैं ज़िंदगी में कभी साहिवाल नहीं गई हूँ, तो अभी यही सोच रही थी। और इन दिनों ना मैंने शॉपिंग करने भी जाना था, ग्रॉसरी भी करनी थी, और एक दो जगह पर और भी जाना था। अब मैं यही सोच रही हूँ, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और एकदम से ये सारी चीज़ें, फिर जो आपको प्यार से और मोहब्बत से बुलाए जब आप नहीं जाते तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो अभी कुबैल के बाबा उठते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ और फिर मिलके प्लान बनाते हैं। तकरीबन एक हफ़्ता के आप मुझे ख्याल में 15 डेज़ हो गए हैं जब से माशाल्लाह वो पप्पू आई हैं। फिर उनकी भी बच्चों की तरह केयर करनी होती हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, कुछ उनकी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ अपने घर के कामों का, जो मैं इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ। मैंने अपनी स्किन पे क्लिनजिंग भी नहीं की, ऑयल मसाज भी नहीं किया, तो मेरी स्किन इतनी ख़राब हो गई। और दूसरा, इन दिनों में जो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं उस वजह से मेरी स्किन पर दोबारा एक्ने भी आ रही है। और मैंने कुछ चीज़ें पंसारी से मंगवा के रखी हुई थी और मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा मैं तब बनाऊँगी जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अच्छी अच्छी रेमडीज़ जो हैं, बस ये जो इतने दिन धूप नहीं ना निकली इसने पता नहीं क्या कर दिया था, मुश्किल से खा लें पी लें, कुछ ज़रूरी काम जो है कर लें और बिस्तर में बैठ जाएं। तो इंशाल्लाह अब धूप निकल आई है ना, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ एक अपना सेटअप ऊपर किचन में कर लूँ, क्योंकि जब मैं ऊपर आऊँगी तो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए नीचे जाना पड़ता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि ऊपर भी एक छोटा सा किचन सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल चूल्हा तो मौजूद है, तो ऊपर भी कुछ चीज़ें रख लूँगी जब कभी ऊपर कुछ ज़रूरत पेश आई, तो ऊपर खाना दोपहर में बना लिया और पूरा दिन यहाँ धूप में रहे। हाँ, ये प्लांट जो मैंने लगाया था ये माशाल्लाह ग्रो होने लग गया है, लेकिन ये मैंने बच्चों को भेजा था कि इसको ना पानी दे कर आएँ, तो वो ज़्यादा ही पानी दे दिया था। अब इसमें से कुछ पानी मैंने निकाला भी है, कुछ और निकालती हूँ क्योंकि सर्दियों का मौसम। ओ माई गॉड, ये क्या हुआ, सारा प्लांट मेरा नीचे गिर गया, पानी इस कदर ज़्यादा था। ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं ये सोच रही थी कि इसमें से ना पानी निकाल दूं, सारी इसकी सोयली बाहर आ गई है। अब पता नहीं जो इस बेचारे की कंडीशन हो गई है, ये दोबारा ग्रो करेगा या नहीं, अल्लाह ताला खैर करे। इस बेचारे के साथ क्या हो गया, अब इसको मैं वॉश नहीं करने लगी ऊपर से, बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि जब इसको वॉश करूँगी ना तो फिर इसमें पानी और चला जाएगा, और आज उम्मीद तो है धूप निकली हुई ये ड्राई हो जाएगा। मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ, अभी इतनी धूप सुबह से निकली हुई है फिर भी बुशरा से इतना नहीं हुआ कि वो टाइम से आ जाए और अपने काम कर ले, उसके इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। और आज ये भी ज़रूरी है ना, कल मुझे जाना है कहीं, तो मैं उसको कह दूँगी तुम जल्दी आ जाओ, आज मुझे ना डीप क्लीनिंग करवानी है घर की, वो करवानी।
बहुत दिल कर रहा है खेतों में जाने में। वहाँ जाके ना वैसे ही फ्रेश हो जाता है इंसान इतना ज़्यादा सब्ज़ा देखने के बाद। ये ना मैंने यहाँ पे अपना ये सिंगल चूल्हा रखा हुआ है, ये मैं सोच रही हूँ इसको पाइप लगा के यहाँ ऊपर छत पे रख लूँ, और पाइप इसका बड़ा होगा ना बारिश वगैरह होगी तो वहाँ जो जगह जहाँ से मैंने पेटी उठाई है वहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अपना। और कभी जैसे अब धूप निकली इतना दिल कर रहा है कि यहाँ पे चूल्हा होता और यहाँ धूप में बैठ के नाश्ता बनाते और बैठ के मज़े से खाते इस चारपाई की, तो इंशाल्लाह मैंने इस महीने इसको सेट कर देना है। मैंने लिस्ट में लिख लिया है इसकी बुनाई करके, इसको अच्छा सा पेंट करके, तो इसको यहाँ रखेंगे और फिर इस पर बैठ के खाया करेंगे खाना। ये देखिए ये कौवा कितना उदास होकर बैठा हुआ है। अच्छा मुझे याद नहीं रहा, मैं जब ऊपर आई थी तो यहाँ पे ना कुछ इनके खाने के लिए ले आती हूँ, और ये इनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगती है। ये सिंगल होता है जब कुछ खाने को देखता है तो ये सब अपने रिश्तेदार होते हैं क्या सबको बुला लेता है कि आओ सब मिल के खाएँ, कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह। ये कपड़े जो कल हमने धोए थे वो सारे मैंने ना यहाँ डाल दिए थे, अब धूप है तो मुझे याद आया कि इनको भी बाहर निकाल दूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़े से बस रह गए हैं, ड्राई तो हो गए हैं, ठंडे हैं, 10 मिनट ही धूप में डालेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। मैं एक हाथ से कैसे सेट करूँगी इनको, हाँ जाना की ये वाली ट्राउजर भी इस तरह के डालेंगे। गुड मॉर्निंग आयत फातिमा। आयत फातिमा सुबह सुबह उठ के झूले पे बैठ गई, आज धूप आई हुई है झूले पे, और बाजी बुशरा जैसे ही आई है मैंने उनसे कहा आप ना इन खिड़कियों को साफ कर लो। शमीर आप अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आए तो आप भी नाश्ता करें और भाई शमीर के साथ आप भी अपने टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। इसकी आवाज़ें आ रही हैं बाबा से, कोई झूले को तेल लगा देना, इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। ये पप्पू के लिए मैंने रस मंगवाए हैं, उनकी चाय बन गई है, उनको शुगर है, चीनी इसमें डालनी नहीं है, और उनके लिए मैंने पानी भी गर्म किया है, दादू के लिए मैंने पानी गर्म किया है। वो कहाँ गया ये, या गर्म पानी आपने आए पीना है, ठीक है। साथ साथ मैं बच्चों का और कुमार के बाबा का नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले पुप्पो को मैं दे आऊँ, दादू को पकड़ा के आओ, ठीक है, उनका नाश्ता पकड़ाओ होगी। आयत को मैंने इसलिए नहीं पकड़ाया कि चाय गिरा ना दे। अच्छा? हाँ जी, अभी छोटी है ना, गर्म चाय इसके ऊपर ना गिर जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये ले आपका नाश्ता। पानी देखिए ज़्यादा तो नहीं गर्म हो गया, तो मैं मिक्स कर देती हूँ, डाल दूँ थोड़ा। ये कुमेल के बाबा की फिल्टर चलाइएगा, पानी ज़्यादा गर्म हो गया था। आप बंद कर लेना फिर, ठीक है, मेरे हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू, अभी मैं आ रही हूँ आयत, ये दादू को पकड़ा के फिर मैं अपनी बेटी को नाश्ते करूँ। नानो भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, सोने दे सोने ने बाजार। भाई कमाल उठ गया और मैंने दिया नाश्ता के पराठा खा ले। मैंने इतना अच्छा मकई का पराठा बनाया था, वो भी और जिद करके, अल्लाह ये अपनी चाय गिरा दी है मोहम्मद, ये क्या किया आपने। अब आपकी सुबह हो गई है, आपको पता है सुबह 7 बजे की धूप निकली हुई है, सब लोग धूप में मजे ले रहे हैं। मेरी तरफ तो देखो,
प्यारे बेबी आपके दोस्त भी छत पे खेल रहे हैं आज, आपका पूछ रहे थे जी। आई फातिमा आप क्या कह रही हैं? मेरे का पीछे जाइए ना, मैं मामा मैंने इसको कहा। बस सारा दिन किचन में गुजर जाता है, सुबह का नाश्ता बनाएं जी, दोपहर का खाना बनाएं जी, रात की तैयारी करें जी, और अब मैंने जाना को दे रही हूँ। जाना को दाल बहुत ज्यादा पसंद है और दोपहर का खाना खा रहा है। खेल खेल के थक के आ गए हो, पकड़े दुआ पढ़ के स्टार्ट करना। ओके आपको दाल पसंद है इसलिए दाल लेकर आई हूँ। अगर आपने योगर्ट लेनी है तो मैं ले आऊं? ले। सर्दी लग रही है आपको? पानी ना गिरा देना, साइड टेबल पे रख ले। अभी आज सारी विंडो वगैरह साफ करवाई है, डीप क्लीनिंग करवाई है। बाजी बुशा अभी अभी फ्री नहीं हुई, अभी उनके सारे पोछे लगने वाले हैं। मैं उनको कह रही हूँ कि आपकी छोटी बेटी मदर फीड पे, आप उसको पहले फीड करवाएं। वाटर उठाएं यहाँ से, मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ से गिर जाएगा, साइड टेबल पे रखें। स्माइल करो जाना, स्माइल। हमारे घर में तो धूप नहीं है, बार बार छत पे जाया नहीं जाता, और अभी मैं जा रही हूँ इनकी दादो के घर, वहाँ बैठ के दिखाऊंगी ऑरेंजेस। और बच्चे चले गए छत पे खेलने के लिए, और बाकी का काम भी रात करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। आयत और मोहम्मद काफ़ी देर से खेल रहे थे और कुमैल भी इनके साथ प्ले कर रहा था, तो अभी हम जा रहे हैं मोहम्मद के घर पे, क्योंकि मुझे पार्लर में कुछ काम करना है। और आज मैंने आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी देना है, जो न्यू वर्क हुआ है पार्लर में, न्यू उसकी लुक है, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काम हुए हुए तो तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी उसकी थोड़ी सेटिंग होने वाली थी इसलिए मैंने नहीं बनाई थी वीडियो। तो अभी यहाँ पर इन बच्चों को ले कर तो मैं उनकी तरफ जाने लगी हूँ, वहाँ जा कर आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बताइए आपको कैसा लगा पार्लर की न्यू लुक, और जो वर्क हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये पहले सब काम नहीं था, अब करवाया है, और तकरीबन इसको हो गया 5-6 दिन। और मैं कह रही थी जब मैं जाऊँगी तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बच्चों को सुबह छुट्टी है, और जब वीकेंड आता है तो फिर रात को कोई इशू नहीं होता कि बच्चे जितना मर्जी लेट सो जाए। अभी इसकी सेटिंग करनी है, जितना हुआ है अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, तो फिर हम लोग रात को बच्चों को लेके थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए एक दिन इधर आ जाते हैं और एक दिन इनके चाचू की तरफ चले जाते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा म्यूज़िक लगाएंगे, और कुछ मुझे भी काम करना है। मैंने कहा दिन पे इसके पास भी टाइम नहीं होता और मेरे पास भी टाइम नहीं होता, शादी आ रही है, और ये अहमद की व्हील चेयर यहाँ पर पड़ी हुई है। देखिए तो सही, जहाँ जात कितना हसीन लग रहा है, और मुझे चांदनी रातें इतनी पसंद है ना, चाहे सर्दी हो, मैं कहती हूँ छत पे बंदा पास आग जला ले और वहाँ पे मिलके कॉफ़ी चाय या कुछ हम लोग मिलके करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, इसके बाबा को टाइम नहीं होता। तो आज बस इतनी है वीडियो, मुझे अभी हम लोग जा रहे थे घर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये चाँद का सीन, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। आप लोग दुआ में रखिएगा याद, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।